एमसीबी जिले के नगर पालिका निगम चिरमिरी के कर्मचारियों का 5 माह से वेतन न मिलने पर समाज सेवी चंदन गुप्ता ने नगर पालिका निगम चिरमिरी के मुख्य द्वार के सामने निगम कर्मचारियों के लिए निशुल्क राशन एवं सब्जी की दुकान खोलकर अनोखा प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि नगर पालिका निगम चिरमिरी के कर्मचारियों का विगत 5 माह से वेतन का भुगतान न होने के कारण चिरमिरी के सब्जी व्यवसायी एवं समाज सेवी चंदन गुप्ता अपने साथियों के साथ मिलकर नगर पालिका निगम चिरमिरी के मुख्य द्वार के सामने निशुल्क सब्जियों राशन की दुकान खोलकर प्रशासन के सामने अपना अनोखा प्रदर्शन किया है। चंदन गुप्ता ने कहा है, कमिश्नर नगर निगम के कर्मचारियों के वेतन से संबंधित किसी भी प्रकार की समाधान कर पाने में पूरी तरह से निष्क्रिय दिखाई पड़ रहे हैं, जिसके कारण से नगर निगम के कर्मचारियों की हालत दिन ब दिन खराब हो रही है। लेकिन 5 माह से वेतन न मिलने के कारण कोई ठोस उपाय भी निगम प्रशासन नहीं निकाल रहा है, जिसको लेकर नगर निगम चिरमिरी के सामने निःशुल्क सब्जी और राशन की दुकान खोलकर कर्मचारियों को वितरण करते हुए प्रशासन एवं राज्य सरकार को जगाने की कोशिश की जा रही है, ताकि नगर पालिका निगम चिरमिरी के कर्मचारियों के वेतन का बकाया भुगतान जल्द कराया जाए। साथ ही नियमित वेतन का भुगतान शासन प्रशासन के द्वारा कराया जाना चाहिए। चिरमिरी से अशफाक अहमद की रिपोर्ट। एक आध महीना का बात हो, चलो समझ में आया, 5 महीने से राशन उनके घर में किसी तरह मतलब उधारी ला के खा रहे हैं, तो 5 महीने से वेतन नहीं हुआ। उसी को लेकर हम लोग आयुक्त सर को एक ज्ञापन दिए थे कि कर्मचारियों का जल्द से जल्द पेमेंट करवा दिया जाए, तो उन्होंने पेमेंट नहीं करवाया। उसी को देखते हुए हम एक सांकेतिक धरना के रूप में निःशुल्क राशन एवं सब्जी वितरण का कार्यक्रम रखे थे, जिसमें नगर निगम के करीब 80 से 100 कर्मचारी आए और राशन लेके गए। और बहुत सारे कर्मचारी ये बोल रहे हैं कि हमको धमकी मिल रहा है कि अगर हम तुम राशन लेने जाओगे तो हमारी निष्ठा बंद कर दी जाएगी। तो हम तो बोलना चाहते हैं कि आप उनका पेमेंट दीजिए, वो राशन क्यों लेने आएंगे? आज उनको मजबूरी है तब वो आ रहे हैं, और जब वो लेने आ रहे हैं उसके बावजूद भी आप उनको धमकी दे रहे हैं। ये बात किसने बताया धमकी दे रहे हैं? कर्मचारी खुद बोल रहे हैं कि हमको धमकी मिल रहा है। और मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि अगर जिस कर्मचारी को धमकी मिला है, जो लेने में यहाँ नहीं आ पाए, उनके हम घर तक पहुँच के राशन पहुँचाएंगे, और इसके बावजूद भी अगर पेमेंट नहीं होता है तो आने वाले क्रम में हम चिरमिरी के घर में जाएंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि चिरमिरी के निगम कर्मचारियों को पेमेंट नहीं हो रहा है तो आप कुछ धन संग्रह दीजिए, आप चंदा दीजिए, जिससे हम उनके परिवार को चलने में जो दिक्कत हो रहा है उस मदद कर सकें। किस कर्मचारियों के द्वारा कहा गया कि धमकी दिया जा रहा है? निगम के कर्मचारियों द्वारा कहा गया, नाम नहीं लेंगे, नाम लेने पर उनकी वो खुद डर रहे हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि हमारी निष्ठा बंद हो जाएगी। धमकी कौन दे रहा है? धमकी यहाँ के कमिश्नर सर के द्वारा दी जा रही है कि आप अगर राशन देने जाएंगे तो आपको निष्ठा बंद कर दी जाएगी। कमल, कहाँ काम करते हो आप? निगम। थोड़ा कस के बोलिए। निगम। कितना महीने से वेतन नहीं मिला? ये चौथा महीना सर। आज जो यहाँ निःशुल्क राशन बटर लेने आए हो, क्या कारण फंस गए जो लेने आए राशन? जहाँ से हम लोग राशन लेते वहाँ से राशन हम लोग को मिलता नहीं। कहे नहीं मिल रहा? पैसा चलते नहीं मिलता, बोलते पहले पैसा दो तो राशन मिलेगा। फिर कितने लोगों को पेमेंट नहीं मिला है बताओ? चार कर्मचारी। तो आप लोग कमिश्नर को शिकायत की है कि पेमेंट 4 महीना से नहीं मिल रहा है? नहीं। क्यों नहीं किए? करना चाहिए ना। मैं काम करता हूँ, सफाई कर्मचारी हूँ, जो नंबर 1 में काम करता हूँ। किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? किसी की दिक्कत नहीं हो रही। 5 महीना से पेमेंट नहीं हुआ, इसका शिकायत आप लोग कमिश्नर से किए? कभी सभी को मालूम था सर, हम क्या करें, उनको खुद पता था कर्मचारी को पेमेंट नहीं हो रहा। अब आप लोग का परिवार में भोजन पानी की व्यवस्था कैसे चल रहा है? 5 मिनट से पेमेंट नहीं मिला तो कैसे करें सर? किसी तरह भी तो चला ही रहे थे, ये किसी मांग की उधारी करके ऐसे करके ही चला रहे। घर का कुछ सामान भी था, उसको भी गहना वहना रख के बेच बाच। मतलब कुल मिला के बहुत बुरी हाल है जी सर। अभी तो राशन ले लिया है उसका, या निःशुल्क मिल रहा है? जी निःशुल्क दिया जा रहा है, मतलब बहुत सारा मिलता है। आप लोगों को खबर कैसे मिला यहाँ कि निःशुल्क राशन बट रहा है? नहीं, पहले पता था सर, 4-6 दिन से पहले से कि राशन बटेगा यहाँ पर। किसके द्वारा बांटा गया? चंदन गुप्ता के, श्री चंदन गुप्ता जी सुनने में अच्छा ही बांटा है। सर, निगम के प्लेसमेंट कर्मचारी की बात करें चाहे कर्मचारियों की बात करें, लगभग 4 महीने से वेतन नहीं मिल पाया, क्या कारण है सर, क्यों नहीं मिल पा रहा है इनको वेतन? देखिए, हम पूरी तरीके से टैक्स कलेक्शन पर डिपेंड हैं और SECL एरिया होने के कारण अधिकतर टैक्स SECL से आता है, जो कि मार्च के लास्ट में देते हैं। हम उनसे एडवांस में मांग किए हैं, जैसे ही
उनसे टैक्स मिलेगा, हम अपना भुगतान करेंगे। इसके अलावा हम शासन से भी मांग किए हैं, वहाँ से भी अगर हमें प्राप्त होता है हम उसका भुगतान शीघ्र करेंगे। क्या पहले शासन से वेतन के लिए राशि नहीं आती रही? शासन से भी हमें प्राप्त होती है और साथ में ATCL से प्राप्त होती है। हमारे पास पूरे पहले निर्यात कर ज़्यादा आता था, वर्तमान में खदानें बंद होने के कारण हमारे पास निर्यात कर कम आ रहे हैं। और इसके अलावा हमारे ATCL के साथ कुछ मांग है जो कि माननीय हाई कोर्ट में पेंडिंग है, वहाँ से फैसला आते ही हम उनसे वसूली करेंगे। कितना बकाया, कितना ATCL से इसके बारे में आपको बताऊँगा। शासन से कितने महीने से नहीं आ पाया है? नहीं, हमने अभी अभी क्लास फोर्थ का पेमेंट किया है, एक महीने का, अभी 3 महीने का बाकी है। हमारा प्रयास है जैसे ही हमारा टैक्स कलेक्शन हो जाएगा हम उसको पेमेंट कर देंगे। चंदन गुप्ता जो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आज आपके निगम के सामने राशन वितरण करें, उन्होंने कहा था कि एक हफ्ते बाद वेतन नहीं मिलता तो उन्हें आज राशन बांटना पड़ रहा है, आपको ज्ञापन दिया गया था इसके लिए? हमने उनके ज्ञापन के बाद 1 महीने का पेमेंट किया हुआ है और जैसे ही हमें और राशि प्राप्त होगी हम उसको भी पेमेंट कर देंगे।